Hello and welcome to 34th episode of Low Back Pain Series. I am Dr. Varun Wasil और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइट फॉर हर्नीएटेड डिस्क और सेटिका, क्योंकि इसकी रिकवरी के लिए क्या डाइट चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब इसमें बताया जाएगा। क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में या फ़ोन कंसल्टेशन में यही पूछते हैं कि आप डाइट के बारे में बताइए, इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो वैसे तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है और मैकेनिकल तरीके से ठीक होती है, पर जो डाइट होती है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमारी हीलिंग को या रिकवरी को डिले या उसको जल्दी करने में हेल्प करता है, तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने एक्यूट और क्रॉनिक में क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, वो सब बताया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड खाना चाहिए। मान लीजिए किसी को डिस्क प्रोलैप्स होता है और ये एक्यूट कंडीशन के लिए, अभी अभी डिस्क प्रोलैप्स हुआ और उसका जो फेज है, जो 3-4 दिन या 5-6 दिन के लिए उसको बेड रेस्ट करना होता है, उसमें हमें एंटी इन्फ्लामेटरी फूड कौन कौन सा खाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है जो बेड रेस्ट वाला पीरियड होता है वो अलग ढंग से बताऊंगा मैं, उसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जो हमारा जैसे नॉर्मली हम अपना काम शुरू कर देते हैं और सिर्फ हल्का फुल्का लेग पेन या बैक पेन रहता है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बेड रेस्ट वाला जो पीरियड होता है वो एक्यूट फेज होता है फ्रेश डिस्क बल्ज के लिए, तो उसमें हमने क्या करना चाहिए, सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें शुरू कर दीजिए। उसमें क्या आएगा, टोमेटोज खा सकते हैं, पाइनएप्पल बहुत अच्छा सोर्स है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड का, और बेरीज, स्ट्रॉबेरी होगी, ब्लूबेरी होगी, ये खा सकते हैं। नट्स जैसे हम ऑलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, वो सब खा सकते हैं। और टी, अपने डाइट में आप पानी या अपना दूध की बजाय आप अगर टी लेंगे, क्योंकि टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होती है इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप चाय पिया करिए ज़्यादा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर लेटे हुए हैं तो पानी पी जाइए, वो बिल्कुल मत करिए। आप ज़्यादा पानी मत पिए, क्योंकि आपका वो रेस्टिंग पीरियड चल रहा है और बार बार आपको वॉशरूम आना जाना पड़ेगा, उसमें जितना हमें उठना पड़ेगा उतना काम खराब होगा। तो नॉर्मल जितना प्यास लगता है उतना पानी पिए, ज़्यादा पानी मत पीजिए उसमें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अब लेटा हुआ है इसको पानी पूरी देते रहो, वो गलत है। आप सिंपल सी खिचड़ी खाइए, कम से कम फूड खाइए, क्योंकि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्टिपेशन में हमें कौन कौन से फूड का ध्यान रखना है, कि उसमें हमें ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, ये तो कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा रहता है। ऐसे जितने भी चीज़ें हैं हमें वो होल ग्रेन्स वो सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ने का खतरा होता है। और शुगर्स और अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं लेने, शुगर्स और अल्कोहल लेने से क्या होगा, ये तो एंटी इन्फ्लामेटरी वो नहीं है, इन्फ्लामेशन इंक्रीज होगी शुगर्स लेने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, सोडा लेने से और अल्कोहल लेने से। जो हमारी पहले मेडिसिन चल रही होती हैं, जैसे प्री गाबलिन चलती है लोगों की, नर्व्स के लिए चलती है साइटिका में, और साथ में हमारा चलता है कोई भी पेन किलर होता है, वो ऑलरेडी एसिडिक होता है। तो इसमें हमें ये अल्कोहल और शुगर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, अवॉइड, और सिर्फ हमें ये एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें लेनी है। इससे क्या होगा, हमारी जो हीलिंग है वो भी तेज़ होगी, जो इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेन हो रहा है वो भी कम होता जाएगा। तो जो लेग पेन हो रहा है उसके लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ यही वाली चीज़ें लें, हल्का फुल्का खिचड़ी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और ये लूज मोशन, ये चीज़ दोनों चीज़ों से बचना है, बार बार वॉशरूम जाएंगे उतना ही हमें प्रॉब्लम आएगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो उतना प्रेशर लगाने में जब जोर लगेगा तो हमारा फिर से डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें सबसे पहला एंटी इन्फ्लेमेटरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए जो डिस्क प्रोलैप्स होने के बाद बेड रेस्ट पे होते हैं। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, कोलाजन टाइप 1 एंड टाइप 2। कोलाजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी डिस्क में पाया जाता है, न्यूक्लियस पल्पोसस में पाया जाता है हमारा टाइप 2, और कोलाजन जो हमारा एनुलस फाइब्रोसस होता है, जो रिंग्स आपको पता है ना एंड प्लेट के आसपास, जो मैंने समझाया था आपको, जो रिंग्स लास्ट में लगे होते हैं और उसको तोड़ के डिस्क बाहर आती है, न्यूक्लियस पल्पोसस उसको चीर के बाहर आता है, वो होते हैं टाइप 1। एनुलस फाइब्रोसस होता है टाइप 1, न्यूक्लियस पल्पोसस होता है टाइप 2 कोलाजन। अब कोलाजन जब बॉडी में बनता है तो अमीनो एसिड, जिंक, इन सब के साथ मिलके ही हमारा कोलाजन डेवलप होता है और बनता है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए, मान लीजिए किसी को डीजेनरेटिव डिजीज यानी कि DDD हुआ है, वो मुझसे पूछते हैं कि हमें डिस्क को रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया मैकेनिकल प्रॉब्लम है, पोजीशन और मैकेनिक्स के साथ साथ ही अंदर जाती है, पर उसको हील करने के लिए हम क्या ले सकते हैं,
इसके लिए टाइप 2 और टाइप 1 कोलाजन के लिए बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, होल ग्रेन्स ले सकते हैं और नट्स ले सकते हैं। नट्स में वही आलमंड्स और वॉलनट वगैरह आप ले सकते हैं, कैश्यूज ले सकते हैं, क्योंकि नट्स लेने से भी हमारा जो कोलाजन टाइप 1 टाइप 2 है वो और इम्प्रूव होता है। प्लस मैंने आपको बताया विटामिन सी और साथ में जिंक का भी रोल होता है, तो विटामिन सी के साथ साथ आप जो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। हालांकि ये एसिडिक ज़रूर होते हैं पर ये इसमें हेल्प करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फेज़ वाइज मैं बता रहा हूँ। जब एंटी इन्फ्लामेटरी फेज़ है उसमें आप खट्टी चीज़ें या एसिडिक चीज़ें मत लें। जब हमारा कोलाजन हमने रिपेयर, मान लीजिए अब पेशेंट चलने फिरने लग पड़ा है, अब रिपेयर वाला फेज़ आ गया है, तब हम उसको ऑरेंज जूस वगैरह ले सकते हैं, ऑरेंज लेमन वो सब लेके अपने बीन्स के साथ या बाकी चीज़ों के साथ कोलाजन को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा जो डिस्क है वो इम्प्रूव हो जाए। थर्ड आता है वाइटमिन डी, बी ट्वेल्व और वाइटमिन सी। ये थर्ड पॉइंट जो है मैं आपको ब्रीफ से इस वीडियो के थोड़ा सा जब ये 6 पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद थर्ड पॉइंट पे आऊँगा, क्योंकि इसका मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा वेट करिए, इसका मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लेना। फोर्थ चलते हैं मैंगनीज की तरफ। अब मैंगनीज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंगनीज जो हमारा लिगामेंटम फ्लेम या PLL पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है उसमें ये प्रोडक्ट पाया जाता है। मैंगनीज की हेल्प से ये लिगामेंट्स और टेंडन्स बनते हैं, तो अगर मैंगनीज की डेफिशिएंसी होगी तो ये हमारा जो लिगामेंट होगा जो PLL होता है जिससे हमारा डिस्क, पहले डिस्क के आपको पता होगा कि जैसे हमारा डिस्क के बिल्कुल पीछे PLL लिगामेंट होता है, वर्टिब्रा के बिल्कुल साथ साथ चलता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, वो थोड़ा सा वीक होता है। अगर मैंगनीज नहीं हुआ वो ज़्यादा वीक होगा तो डिस्क उसको पीछे से फिर से चीर के बाहर निकल आएगी, इसलिए लिगामेंटम फ्लेवम और लिगामेंट अपना पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इसमें स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है ताकि वो डिस्क को अंदर को रखा करे। अब मैंगनीज के लिए हम क्या खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, ओट मील जो आप अपना नाश्ते में अपना ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, और हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, डार्क चॉकलेट भी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें ये मत समझ लीजिए कि हमने शुगर खाना है आपको अलाउ कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो डार्क चॉकलेट लीजिए, अदरवाइज इन तीनों चीज़ों से काम अपना चलाइए, क्योंकि इसमें मैंगनीज की भरपूर मात्रा है, उसको आप लेके अपने PLL को ALL को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ताकि डिस्क को बचाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होती है ना। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, अवॉइड एसिडिक फूड। अब एसिडिक फूड में क्या क्या आएगा, वेजिटेबल ऑयल, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं बिल्कुल मत खाएं, कोई फ्रेंच फ्राइज नहीं, कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं खाना, रिफाइंड ग्रेन्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सबको, मैदा, इन सबको बिल्कुल नहीं यूज़ करना। और आता है हमारा प्रोसेस्ड कॉर्न्स, जैसे हम कोई भी कॉर्न्स के आइटम है, कोई भी ऐसे जैसे पैक्ड फूड है जैसे कुरकुरे वगैरह, वो बिल्कुल ना खाएं। ये चीज़ें खाने से एसिडिक फूड जैसे राजमा, चने, चावल, ये भी इसमें आते हैं, वाइट ब्रेड आता है, मैदा आता है, वो बिल्कुल ना खाएं। एसिडिक फूड क्या करता है, इनडायरेक्टली हमारी पेन को बढ़ा देता है, क्योंकि बॉडी में जब एसिडिक प्रेशर बढ़ता है तो जितनी वॉल्स हैं वो सारी स्ट्रेच होती हैं। हमारा तो पहले ही नर्व प्रेस हुआ हुआ है, अगर सैटिका किसी को हुआ हुआ है, लेग पेन है, तो उसका तो पहले ही नर्व प्रेस हो रहा है, तो अगर हमारा पेट में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और बढ़ गया तो वो तो और जाके वॉल्स को टच करेगा और उसको बढ़ा देगा पेन को। तो इसलिए एसिडिक फूड मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, ये चीज़ को अवॉइड कर लीजिए तो आप आधी जंग जीत चुके होंगे, क्योंकि आपको 50% रिलीफ इन्हीं चीज़ों को छोड़ने से मिल जाएगा। तो अवॉइड एसिडिक फूड, ये हमेशा याद रखना मेरी बात, ये चाहे आपका रिकवरी फेज है, चाहे एक्यूट फेज है, चाहे आप बेड रेस्ट में हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आता है अवॉइड शुगर्स। शुगर्स में इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंसुलिन स्पाइक जब होता है तो हमारा जितना भी पेन है वो इंक्रीज हो जाता है। ये माना गया है कि जब भी इंसुलिन स्पाइक होगा वो क्यों होगा, जब शुगर ज़्यादा होगा तो बॉडी इंसुलिन भी रिलीज ज़्यादा करेगी, और जितना इंसुलिन रिलीज होगा उतना हमारा रिकवरी स्लो होगा। इसलिए शुगर पेशेंट्स को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो हमेशा डिले ही होती है, हमेशा उनकी हीलिंग लेट ही शुरू होती है, तो इसलिए हमें शुगर्स को अवॉइड करना है। कोई सोडा नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, क्योंकि अल्कोहल इसलिए भी नहीं लेना क्योंकि प्रीकाबलिन जब मेडिसिन चल रही होती है नर्व्स की, उसके साथ अल्कोहल लेना वैसे भी हमारा गलत होता है, तो हमने जितने भी शुगर्स हैं उसको अवॉइड कीजिए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, विटामिन डी, बी ट्वेल्व और विटामिन सी क्या किस किस में होता है, कैसे कैसे लेना है और क्यों लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो मैंने बताया था विटामिन डी, बी ट्वेल्व और सी क्यों ज़रूरी है। अब विटामिन डी तो आपको पता ही है कि मसल्स और बोन्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके बहुत लोग डॉक्टर्स टेस्ट भी करवाते हैं कि विटामिन D3 का टेस्ट करवाइए, तो D3 इसकी एक्टिव फॉर्म होती है कॉलीकैल्सिफेरॉल, उसके हम सैशे वगैरह भी खाते हैं, आपको कोर्स करवाया जाता है।
B12 होता है, इसका अदर नाम होता है कोबालामीन। अब आपको पता याद आ जाएगा कि हमारे ये जो टैबलेट होती है मिथाइल कोबालामीन या मैकोबालामीन, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो नर्व्स की जो माइलिन शीथ होती है ना, नर्व के ऊपर जो कोटिंग होती है, वो इम्प्रूव करने में हमारा B12 बहुत साथ देता है। इसीलिए जब भी नर्व कंप्रेशन होता है तो वो माइलिन शीथ ही टूटती है, उसी को इम्प्रूव करने के लिए B12 की टैबलेट्स दी जाती है। और मोस्टली ये हमारा नॉन वेजिटेरियंस में पाया जाता है, पर वेजिटेरियंस के लिए भी ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस में नहीं हो पाया जाता। और डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं वेजिटेरियंस, और हमारा फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड फूड वो होता है जो वैसे तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि हम अपने खाने को और न्यूट्रिएंट रिच बना सकें। तो विटामिन सी का आपको पता है सिट्रस फ्रूट्स, अब सिट्रस फ्रूट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, तो जब भी हमें प्रॉब्लम आती है एक्यूट फेज में तो हमें विटामिन सी दिया ही दिया जाता है। और नर्व्स को इम्प्रूव करना होता है तो हमारा B12 चलता है साथ में, प्रीकाबल इनकी मेडिसिन दी जाती है, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे होता है। अब विटामिन डी कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें, नेचुरल सोर्सेज कैसे हैं? वैसे तो सनशाइन इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, पर वो हमें बैक एक्सपोज करके लेटना पड़ता है। अगर आपके घर में ऐसे कहीं धूप आती है तो उसको ज़रूर लीजिए, अपनी वर्टिब्रा पे, अपनी बैक पे ज़रूर लीजिए। फिर मिलता है हमें सोया मिल्क से, मशरूम्स में बहुत अच्छा विटामिन डी होता है, फोर्टिफाइड सीरियल और फोर्टिफाइड फूड वही फिर आगे जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं उसको काबिल बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स रिच बनाने के लिए। ऐसे एलमंड्स में मिल सकता है, आप बादाम वगैरह खा सकते हैं विटामिन डी के लिए, और सनशाइन तो मैंने आपको बताया ही है। तो इस तरह से ये तीनों विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी हर्निएटेड डिस्क और साइटिका को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी जो डूज एंड डोंट्स डाइट में मैंने आपको बताया उसको भी फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों ने मुझसे पूछा भी था सभी ने कि आप इसके बारे में बताइए। अगर ये कह सकते हैं कि अगर आपको हील करना है अपने आप में तो ये साथ में चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी मैकेनिक्स तो हम ठीक करते जाएंगे अपनी एक्सरसाइज से, और इसको हीलिंग को फास्ट करने के लिए, हम पेन को कम करने के लिए, नर्व्स को इम्प्रूव करने के लिए ये अंदर वाली डाइट भी ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए, अब आपको पता लग गया होगा, तो सबके साथ शेयर करिए ताकि सबको ये नॉलेज हो जाए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए एक्यूट और क्रॉनिक फेज में और कब कब क्या क्या खाना चाहिए और कब कब क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं अपनी MRI रिपोर्ट को लेके, एक्सरसाइज को लेके, उसमें आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और अगर आपने बाकी लो बैक पेन सीरीज के वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, लो बैक पेन सीरीज के जितने एपिसोड हैं वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक कर और शेयर करने की वजह से ही लोगों को इसकी समझ आ सकेगी। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।